हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग ठीक होंगे और आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, हमें यह नहीं पता होता है कि जो ड्रग हम लेते हैं एक्चुअली में हमारी बॉडी में उसके साथ क्या होता है या वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की हमने बात की थी, डेफिनेशन की बात की थी और हमने ये बात की थी कि ड्रग और बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये इंटरेक्शन से जो इफेक्ट होते हैं, जो इफेक्ट पैदा होते हैं, उन इफेक्ट में कुछ हार्मफुल होते हैं जिन्हें हम साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं, और कुछ यूजफुल होते हैं जिन्हें हम थेरेपेटिक इफेक्ट कहते हैं या जो हमारे किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर में काम आते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग और बॉडी का जो इंटरेक्शन है इसी को आज हम पढ़ रहे हैं, फेट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, हम बात करेंगे जो ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं, हम इसमें जो ड्रग ओरल रूट से लेते हैं उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये आपको डायग्राम बनाया है जो जीआईटी का डायग्राम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डायग्राम है, जिसमें आप देखें ये माउथ है और यहां से हम ये टैबलेट माउथ से अपने इंजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अपने जीआईटी में अंदर ले रहे हैं। यहां से ये ड्रग ईसोफेगस में जा रही है, ईसोफेगस से स्टमक में, और स्टमक में इसका क्या हो रहा है, ये स्टमक में ये ड्रग छोटे छोटे पार्ट में टूट रही है, इसी को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और बाद में इसका सॉल्यूशन बन जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ और इसे हम डिजोल्यूशन कहते हैं। डिजोल्यूशन होने के बाद ये ड्रग आपके इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है जहां पर माइक्रोब्लाइज हैं, ये माइक्रोब्लाइज एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जो कोई भी चीज हम इंजेक्शन में लेते हैं, कोई भी चीज जो हम खाते हैं उसमें क्या है, वो यहां से एब्जॉर्प्शन होता है। इन माइक्रोब्लाइज की सहायता से इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होके ये ड्रग आपके बॉडी में, आपके पोर्टल सिस्टम में, आपके ईसीएफ में, आईसीएफ में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में और बॉडी फ्लूइड्स में जाती है। ब्लड से और पोर्टल सिस्टम से ये लीवर में पहुंचती है और वहां पर लीवर में जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो एंजाइम इस ड्रग पे वर्क करते हैं और वहां से ये दोबारा ब्लड में आती है और उसके बाद ये अपना एक्शन शो करते हैं। दोस्तों, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो एक ड्रग हम लेते हैं और उसके साथ क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं, ड्रग आपने ली है, ओरल रूट से ड्रग ली है, ये ओरल रूट से ली हुई ड्रग आपके सबसे पहले स्टमक में पहुंचती है और स्टमक में वो डिसइंटीग्रेट होती है और इस प्रोसेस को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। हमने पहले भी बताया यहां कि हमने एक टैबलेट ली है तो ये टैबलेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है और बाद में ये डिजोल्यूशन होता है इसका, यानी ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाती है। क्या होता है? ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाती है, ये सॉल्यूशन आगे मूव करता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कहां पहुंचता है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में पहुंचने पर जो माइक्रोब्लाइज हैं, ये माइक्रोब्लाइज क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये माइक्रोब्लाइज क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और यहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है।
मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग्स का वो इस इलियम पार्ट में होता है। दोस्तों अगर हम एसिडिक ड्रग लेते हैं तो कई बार एसिडिक ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक से भी होता है। वो बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को एक्चुअली में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, हम एब्जॉर्प्शन के बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये एब्जॉर्प्शन इस इलियम में होता है और यहां से एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ड्रग है वो आपके ब्लड यानी पोर्टल सिस्टम में, ईसीएफ में, आईसीएफ में, आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लू, ईसीएफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लू, लिम्फ, टिश्यू फ्लूड, बॉडी फ्लूड और ईटीसी। दोस्तों यहां से ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है ड्रग का और एब्जॉर्प्शन होके जो ये ब्लड ईसीएफ आईसीएफ लिम्फ टिश्यू फ्लूड में पहुंचती है और ब्लड से ये लीवर में पहुंचती है। तो पहले ये कहां पहुंच रही है? लीवर में पहुंच रही है और लीवर में पहुंचने के बाद ये माइक्रोसोमल एंजाइम लीवर में पाए जाते हैं। ये माइक्रोसोमल एंजाइम इस ड्रग के साथ रिएक्शन करते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, इस तरह के एंजाइम ये माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं जो इस यहां इस ड्रग के साथ रिएक्शन करते हैं और इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो ये रिएक्शंस इस ड्रग के साथ हो रही हैं ये इसको या तो पार्शियल मेटाबोलाइज कर देती हैं या इनको इनएक्टिव बना देती हैं या एक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज कर देती हैं और एक्टिव मेटाबोलाइज। देखिए यहां तीन पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं। जब ये जो ड्रग है ब्लड के थ्रू पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में पहुंच रही है, लीवर के माइक्रोसोमल जो एंजाइम है वो इस ड्रग पर एक्ट करते हैं, उन पर रिएक्शंस करते हैं और इन रिएक्शंस के रिजल्ट में ये ड्रग जो है या तो पार्शियल मेटाबोलाइज हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है या एक्टिव हो जाती है, एक्टिव मेटाबोलाइट बना देती है। ये एक्टिव मेटाबोलाइट जो बनते हैं ये ड्रग प्रोड्रग कहलाते हैं। हम एक ड्रग को प्रोड्रग कहते हैं अगर वो अंदर जाकर के एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो 90-95% जो ड्रग है उनका पार्शियल मेटाबॉलिज्म होता है, बाकी की जो ड्रग इनएक्टिव हो जाती हैं इसका मतलब उनको हम ओरल रूट से नहीं ले सकते, वो इनएक्टिव हो गई है, वो अपनी एक्टिविटी खो चुकी है। एक्टिव मैंने बताया था, एक्टिव ड्रग का मतलब है या एक्टिव एक्टिव केमिकल मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो बॉडी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। दोस्तों हम यहां बात कर रहे हैं तो पार्शियल मेटाबॉलिज्म हुआ है और इसी इफेक्ट को हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट पास इफेक्ट। अगर ये ड्रग लीवर में नहीं आती तो इसका क्या है? पार्शियल मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसकी एफिकेसी कम नहीं होती, इसकी कंसंट्रेशन कम नहीं होती और ये अपना पूरा इफेक्ट शो करती, इसीलिए इस इफेक्ट को हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों जब इसके बाद जो ड्रग है लीवर से आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, सिस्टेमिक ब्लड में आ जाती है, ब्लड में आने पर ब्लड का जो आपको पता है ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट प्लाज्मा है और दूसरा पार्ट सेल है। देखो दोस्तों सेल का कोई रोल नहीं है क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो अपने अलग काम करती हैं। यहां पर जो ड्रग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लाज्मा और प्लाज्मा जैसा हम जानते हैं प्लाज्मा के दो कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो इस ड्रग को इंटरेक्ट करते हैं, वो इस ड्रग से इंटरेक्ट करते हैं। पहला पार्ट है वाटर और दूसरा पार्ट है प्रोटीन्स। ये वाटर एक्चुअली में जब भी हम ड्रग बनाते हैं तो हम याद रखते हैं कि वाटर सोल्यूबल भी होनी चाहिए ड्रग और लिपोफिलिक भी होनी चाहिए यानी लिपिड सोल्यूबल भी होनी चाहिए, उसको हम HLB वैल्यू कहते हैं, HLB वैल्यू कहते हैं। जब भी आपने फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसका ध्यान रखें। तो जो ये वाटर सोल्यूबल ड्रग यानी जो वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाए और प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाए, तो दोस्तों यहां पे दो फॉर्म बन गई हैं ड्रग की। जैसे ही वो प्लाज्मा में आई है, प्लाज्मा में एक जो फॉर्म बनी है ड्रग की वो है वाटर सोल्यूबल
और दूसरी फॉर्म जो है वो प्रोटीन से बाइंड अप हो रही है, यानी एक पोर्शन ड्रग का वाटर सोल्यूबल है और दूसरा पोर्शन प्रोटीन बाउंड है। ये इंटरचेंजेबल है दोस्तों, ये क्या है, इंटरचेंजेबल है। जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, वो पार्ट एक्चुअली में एज ए स्टोरेज है, और ये जो वाटर सोल्यूबल है ये कैसी फॉर्म है, फ्री फॉर्म। देखिए तो पहली फॉर्म कौन सी हो गई, वाटर सोल्यूबल, और दूसरी फॉर्म हो गई प्रोटीन बाउंड फॉर्म। दूसरी फॉर्म कौन सी है, प्रोटीन बाउंड फॉर्म। दोस्तों ये दोनों फॉर्म ब्लड में सर्कुलेट करती रहती हैं, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है ये भी ड्रग दोनों फॉर्म में सर्कुलेट करती है। वाटर सोल्यूबल फॉर्म जो है उसको हम फ्री फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉर्म बोलते हैं। फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एक जो ड्रग की कंसंट्रेशन है या जो ये ड्रग की फॉर्म है यही आपके रिसेप्टर से जुड़ती है, इसीलिए इसको फ्री फॉर्म कहते हैं। और प्रोटीन बाउंड फॉर्म, जो बाउंड फॉर्म होती है प्रोटीन के साथ जुड़ती है, ये एज ए स्टोरेज काम करती है लेकिन ये डायरेक्टली रिसेप्टर से नहीं जुड़ती है। तो जो फ्री फॉर्म है यानी जो फ्री फॉर्म ड्रग है वो क्या है, ये देखिए दोस्तों ये ब्लड कैपिलरीज है जो इस सेल के पास से गुजर रही है ना, और यहां पर ये जो मैंने क्रॉस बनाया है दोस्तों ये बाउंड फॉर्म को शो कर रहा है, ये बाउंड फॉर्म को शो कर रहा है, और जो ये डॉट बनाए हैं ये फ्री फॉर्म को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हर सेल तक ये ड्रग बाय ब्लड सर्कुलेशन पहुंचती है। इस ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस ब्लड में आपके हार्मोन्स होते हैं, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसमें सारी चीजें होती हैं दोस्तों, और हो सकता है एक से ज्यादा ड्रग भी इसमें एक साथ हो, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, मल्टीपल रेजिमेन यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल ड्रग लेते हैं, और मल्टीपल ड्रग लेते हैं तो क्या है, हो सकता है इसमें दूसरी ड्रग्स भी हो, लेकिन जो ये रिसेप्टर होता है एक ड्रग के लिए स्पेसिफिक होता है, ये जो ड्रग के लिए एक रिसेप्टर है वो एक स्पेसिफिक होता है, और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही ये पर्टिकुलर ड्रग जुड़ती है, और इसी जो ये सारा ब्लड जो कैपिलरीज के द्वारा जा रहा है और जिसमें ये फ्री फॉर्म सर्कुलेट कर रही है इसी को, तो ये हर एक सेल के पास जा रहा है और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ड्रग, हर बॉडी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो फ्री फॉर्म है ड्रग का ये रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, ये जो फ्री फॉर्म है ये रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, और रिसेप्टर के साथ जुड़ करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये रिसेप्टर के साथ जुड़ करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है, ये मैसेंजर्स डिफरेंट पाथवेज लेते हैं और जनरेट करते हैं और उनसे एक प्रोडक्ट डेवलप होता है। ये प्रोडक्ट जो है एक एंजाइम हो सकता है, और ये एंजाइम फिजियोकेमिकल चेंज करता है आपकी बॉडी में, ये क्या करता है, ये फिजियोकेमिकल चेंज, जो ड्रग आपने ली है जो रिसेप्टर से जुड़ी है, जिसने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया है, सेकेंड मैसेंजर जनरेट किया है, डिफरेंट पाथवे जिसने यूज किए हैं, वो फिजियोकेमिकल चेंजेज करती है आपकी बॉडी में, और ये फिजियोकेमिकल चेंजेज ही क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये फिजियोकेमिकल चेंज ही क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑप्टिमम है तो इसे हम थेरेपेटिक इफेक्ट कहेंगे। जो ये फिजियोकेमिकल चेंज जनरेट हुआ है हमारी बॉडी में इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं, और अगर ये ऑप्टिमम है तो ये थेरेपेटिक इफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, थेरेपेटिक इफेक्ट कहलाता है, और ये थेरेपेटिक इफेक्ट जब मिल जाता है उसके बाद ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है, ड्रग इस रिसेप्टर से डिटैच्ड कर जाती है यानी अलग हो जाती है, इस रिसेप्टर से अलग हो जाती है, और ड्रग अलग होकर के ब्लड में आ जाती है, ड्रग रिसेप्टर से अलग होकर के इस ब्लड में आ जाती है,
ब्लड से दोबारा ये कहां पहुंचती है दोस्तों, लीवर में, क्योंकि ब्लड तो एक्चुअली में सर्कुलेशन कर रहा है। देखिए एक मिनट में पूरा ब्लड आपके बॉडी का सर्कुलेशन कर लेता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ये ब्लड में दोबारा ड्रग आई है ये लीवर में पहुंचती है, और लीवर में पहुंचने पर जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो इस पर रिएक्शंस करते हैं, और वो रिएक्शन से ये ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इससे मेटाबोलाइट्स बनते हैं। मेटाबोलाइट दो तरह के हो सकते हैं दोस्तों, एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। एक्टिव का मतलब है जो कोई एक्टिविटी शो करें, यानी बॉडी सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट करने की क्षमता रखते हो तो वह एक्टिव मेटाबोलाइट कहलाते हैं, और इनएक्टिव मेटाबोलाइट जिनका बॉडी सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है वो इनएक्टिव कहलाते हैं। ये एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स दोबारा ब्लड में आ जाते हैं लीवर से, और ब्लड से किडनी में पहुंचते हैं, और इस किडनी से यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं, बाय यूरिन ये एक्सक्रीशन हो जाता है। तो जो ये किडनी से यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन के थ्रू जो बाहर निकलते हैं इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। दोस्तों यहां हमने बात की थी, जैसे हमने ड्रग ली, ड्रग लेने पर ये स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में आई, यहां एब्जॉर्प्शन हुआ, और वहां से फिर आपके पोर्टल सिस्टम में, ईसीएफ में, टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, इनमें गई, और वहां से ये लीवर में पहुंची। लीवर में पहुंचने पर इसका जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, यानी मेटाबोलाइज कर रहे हैं, पार्शियल मेटाबोलाइज हो रहा है। इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, एक तो पार्शियल मेटाबोलिज्म हो सकता है, इनएक्टिव हो सकती है ड्रग, और एक्टिव हो सकते हैं। जो ड्रग एक्टिव हो रही है उसे हम प्रोड्रग कहते हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फर्स्ट पास इफेक्ट कहलाता है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फर्स्ट पास इफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों यहां, लेकिन जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं है वो अनएब्जॉर्ब किसमें, कहां से, एनस के थ्रू फीकस में बाहर निकल जाती। मान लीजिए हम पढ़ते हैं 90% एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब जो 10% है ड्रग वो कहां निकली है, वो फीकस में अनएब्जॉर्ब बाहर निकल गई है। दोस्तों इसको मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, देखिए ड्रग जो है वो सबसे पहले जब हमने ओरल रूट से ली है स्टमक में गई, और स्टमक में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिजोल्यूशन हुआ, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई, और ये सॉल्यूशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जो माइक्रोबलाइज हैं, वो माइक्रोबलाइज क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग का क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होता है, और ये ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में, लिम्फ में, इसमें पहुंचती है, ब्लड से ये लीवर में पहुंचती है, और लीवर में जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो इस पर रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये इससे तीन कंडीशन यहां डेवलप होती हैं, पहली कंडीशन है पार्शियल मेटाबॉलिज्म, दूसरी कंडीशन है इनएक्टिव, और तीसरा है एक्टिव। जो ड्रग एक्टिव हो जाती है उन्हें हम प्रोएक्टिव ड्रग, प्रोड्रग कहते हैं, ठीक है, और इस फिनोमेना को फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों यही फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ओरल रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वही ओरल रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फर्स्ट पास इफेक्ट ही ओरल रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो ड्रग है वो ब्लड में जाती है। ब्लड के प्लाज्मा जो पार्ट है उसके दो पार्ट होते हैं, वाटर और प्रोटीन। इसमें ड्रग बढ़ जाती है और वाटर सोल्यूबल पार्ट बनाती है और प्रोटीन बाउंड पार्ट बनाती है। जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है वही फ्री फॉर्म है, जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है वही फ्री फॉर्म है, और जो प्रोटीन से बाउंड है वो बाउंड फॉर्म है। ये जो फ्री फॉर्म ड्रग है यही आपके रिसेप्टर से जुड़ती है,
रिसेप्टर से जुड़कर, ये देखिए ये कैपिलरीज है, इस कैपिलरी में मैंने जो ये क्रॉस बनाए हैं इसे आप बाउंड फॉर्म मानिए, और जो डॉट है इसे आप फ्री फॉर्म मानिए। तो ये फ्री फॉर्म रिसेप्टर से जुड़ती है। एक ड्रग के लिए पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, और इस तरह से ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो फ्री फॉर्म है ड्रग का, ये रिसेप्टर से जुड़ करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है जो सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है। ये सेकेंड मैसेंजर एक पाथवे लेता है, और पाथवे लेके एक प्रोडक्ट मे बी पॉसिबल है वो एक एंजाइम हो, और ये एंजाइम एक फिजियोकेमिकल चेंज आपकी बॉडी में करता है, और ये फिजियोकेमिकल चेंज ही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर ये ऑप्टिमम है तो ये थेरेपेटिक है। इसे हम ऐसे समझें कि ये जो रिसेप्टर है वो आप है, और ये जो ड्रग है ठीक है वो दूध की थैली है। ये आती है आपके एक इफेक्ट करती है एक प्रोडक्ट, और इससे आपके बॉडी में फिजियोकेमिकल चेंजेज आते हैं, आपकी भूख शांत हो जाती है, एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट होता है। अगर ये इफेक्ट ऑप्टिमम है तो इसे थेरेपेटिक इफेक्ट कहते हैं। जब थेरेपेटिक इफेक्ट मिल जाता है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अलग हो जाती है, ड्रग जो है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाती है और दोबारा से ब्लड में आ जाती है। तो जैसे ही आप दूध पी लेते हैं थैली को क्या करते हैं आप फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं। सेम ये ड्रग अलग हो गई है, अलग होकर के ये ब्लड में आ गई, और ब्लड से लीवर में आ जाती है। लीवर में इसका माइक्रोसोमल एंजाइम की सहायता से मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबोलाइट बनते हैं। ये पहले भी इस लीवर से, क्योंकि आपको पता होगा एक मिनट में पूरा सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है होल बॉडी का, तो ये पहले भी इस लीवर में आई है ड्रग, लेकिन ये इस के प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है इसीलिए इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो ये मेटाबोलाइट बनते हैं, और ये मेटाबोलाइट कैसे हैं, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो एक्टिव को एक्टिव मेटाबोलाइट है वो आपके बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, बॉडी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इफेक्ट जनरेट करते हैं, इसीलिए इनको एक्टिव मेटाबोलाइट कहते हैं। और जो इनएक्टिव है वो बॉडी के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करते, और ये एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट आपके ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड से किडनी में पहुंचते हैं, किडनी में से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाय यूरिन, यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट। तो दोस्तों ये पूरी एक ड्रग जो हम लेते हैं जिसका इंजेक्शन करते हैं माउथ से, उसका ये पूरा क्या है, फेट है। अगर हम फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फार्माकोलॉजी के हमने दो सब डिवीजन या मेन ब्रांचेस देखी थी, फार्मेको काइनेटिक्स एंड फार्मेको डायनेमिक्स। अगर हम इस पूरे प्रोसेस में देखें कि कहां कहां फार्मेको काइनेटिक इन्वॉल्व है और कहां कहां फार्मेको डायनेमिक। जैसा हम जानते हैं फार्मेको काइनेटिक्स का मतलब है ड्रग का मूवमेंट, जहां जहां ड्रग मूव कर रही है या जहां पर बॉडी ड्रग पर काम कर रही है वो फार्मेको काइनेटिक है, और जहां पर ड्रग बॉडी पर काम कर रही है या अपना इफेक्ट शो कर रही है वो क्या है, वो फार्मेको डायनेमिक है। तो दोस्तों देखिए ये ड्रग का आपने इंजेक्शन किया, ड्रग स्टमक में गई, वहां उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन कौन कर रहा है, आपकी बॉडी कर रही है, किसका, ड्रग का। कौन काम कर रहा है, बॉडी काम कर रही है। डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्यूशन में कौन काम कर रहा है, बॉडी काम कर रही है। ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, वहां इलियम में माइक्रोबिलाई की सहायता से एब्जॉर्प्शन होता है। क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसका, ड्रग का। कौन काम कर रहा है, बॉडी काम कर रही है। तो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है। यहां से एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग जो है ये लीवर में पहुंच रही है, मूवमेंट हो रहा है बाय पोर्टल सिस्टम और बाय टिश्यू फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड। लीवर में पहुंचने के बाद माइक्रोसोमल एंजाइम रिएक्शन करते हैं और मेटाबॉलिज्म करते हैं। कौन काम कर रहा है,
बॉडी काम कर रही है। इसके बाद ड्रग ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में प्लाज्मा और वाटर दो पार्ट में बट जाती है, वाटर और प्रोटीन दो पार्ट में बट जाती है और बट करके वाटर सॉल्युबल और प्रोटीन बाउंड फॉर्म बनाती है। कौन काम कर रहा है? बॉडी काम कर रही है। मूवमेंट किसका हो रहा है? ड्रग का। ये वाटर सॉल्युबल जो फ्री फॉर्म है, अब ये फ्री फॉर्म और प्रोटीन बाउंड दो फॉर्म बन गई। जो फ्री फॉर्म ड्रग है वो रिसेप्टर से जुड़ रही है। देखिए यहां, ये जो फ्री फॉर्म है ये रिसेप्टर से जुड़ रही है। कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है। फ्री फॉर्म ड्रग जो है वो रिसेप्टर से जुड़ रही है, इसका मतलब कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है। इसका मतलब ये फार्मेको डायनेमिक है। ये क्या है? फार्मेको डायनेमिक है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रही है। ये क्यों कर रहा है काम? ड्रग काम कर रही है किस पर? बॉडी पर। फार्माकोडायनेमिक है। सेकेंड मैसेंजर जनरेट हो रहा है, कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है, फार्माकोडायनेमिक है। पाथवेज ले रहे हैं, कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है। प्रोडक्ट और एनी एंजाइम और मे बी पॉसिबल है जो फिजियोकेमिकल चेंजेज करते हैं, ठीक है। फिजियोकेमिकल चेंज हो रहा है बॉडी में, कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है किस पर? बॉडी पर। तो ये सब क्या है? फार्माकोडायनेमिक। अगर ये ऑप्टिमम है तो थेरेपेटिक इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो फ्री फॉर्म रिसेप्टर से जुड़ती है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है, सेकेंड मैसेंजर जनरेट होता है, डिफरेंट पाथवेज यूज होते हैं, प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, फिजियोकेमिकल चेंजेज आते हैं बॉडी में और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट होता है, ये सब फार्मेको डायनेमिक में है। क्योंकि यहां पर ड्रग काम कर रही है बॉडी पर। इसके बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डिटैच्ड होता है, ड्रग अलग हो जाती है और ब्लड में आ जाती है। अब क्या चालू हो गया? दोबारा देखिए, मूवमेंट चालू हो गई ड्रग की और ये ब्लड से लीवर में पहुंचती है। लीवर में पहुंचने के बाद माइक्रोसोमल एंजाइम की सहायता से मेटाबॉलिज्म होता है। किस पर काम हो रहा है? ड्रग पर काम हो रहा है। किसके द्वारा काम हो रहा है? बॉडी के द्वारा काम हो रहा है। ये दोबारा से क्या हो गया? आपका फार्माकोकाइनेटिक चालू हो गया, मेटाबोलाइट्स बन गए। ये मेटाबोलाइट्स ब्लड में गए और ब्लड में किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गए। कौन काम कर रहा है? बॉडी काम कर रही है। मेटाबोलाइट को बाहर निकाल रही है, ड्रग को बाहर निकाल रही है बॉडी से। तो देखिए दोस्तों, एब्जॉर्प्शन कौन काम कर रहा था? कौन काम कर रहा है? फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, बॉडी काम कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन काम कर रहा है? बॉडी काम कर रही है। किस पर? ड्रग पर, फार्माकोकाइनेटिक्स। आपके यहां जो रिसेप्टर से जुड़ना है ड्रग का, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाना है, सेकेंड मैसेंजर जनरेट करना है, पाथवे लेना है, प्रोडक्ट जनरेट करना है, फिजियोकेमिकल चेंजेज लाने हैं और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करना है, कौन काम कर रहा है? ड्रग काम कर रही है। ये फार्माकोडायनेमिक है। इसके बाद ब्लड का मेटाबॉलिज्म होना, मेटाबोलाइट बनना, ये कौन काम कर रहा है? बॉडी काम कर रही है दोबारा। तो मेटाबोलिज्म किसमें आएगा? फार्माकोकाइनेटिक्स में। किडनी काम कर रही है और एक्सक्रीट आउट कर रही है ड्रग को, कौन काम कर रहा है? बॉडी काम कर रही है ड्रग पर। तो देखिए दोस्तों, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये किसके पार्ट है? ये फार्माकोकाइनेटिक्स के पार्ट है। जबकि रिसेप्टर्स, रिसेप्टर बाइंडिंग और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मैसेंजर्स, डिफरेंट पाथवे, फिजियोकेमिकल चेंजेज, डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट्स, ये किसमें आएंगे? ये सब फार्मेको डायनेमिक में आई है। तो दोस्तों, ये हमने आज फेट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में बात की है। अगर आपको समझ में आया है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।